press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, कश्मीर से उभरती हुई पत्रकार उरफाना मुनीर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि देखो, हमने जो अभी तक कवर किया है, हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनोफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं मैनोफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना है कि याना दी, मैं तो पर्सनली उन्हें जानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, और मैं कहूंगी कि जो मैंने उनके साथ काम किया, जो मैंने उनसे सीखा, अगर याना दी ओपनली ये बात कह सकती हैं कि आई एम नॉट मलाला, तो ऑब्वियसली कश्मीर की हर बेटी आवाज उठा सकती है और कश्मीर की हर बेटी जो है बात कर सकती है। अब आपने कहा पाकिस्तान की 70% पब्लिक जो है वो कह रही थी कि हमने इमरान खान को वोट दिया है, फिर वो वोट कहाँ गए? आपके इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई। क्या पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी घटिया है कि वहां पर इलेक्शन मतलब हो गया, वोट डाले और उसके बाद आपकी मशीनें ही खराब हो गई? जो पहाड़ी इलाके है ना, वहां पर इंडियन आर्मी का क्या रोल है? इंडियन आर्मी ने वहां पर कैंप्स खोल के रखे हैं, वो वहां पर पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर डांस कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर सिंगिंग कंपटीशन कराते हैं, वो वहां पर एक्टिंग कंपटीशन कराते हैं। क्या उनको ये सब कराना चाहिए? नहीं, ये तो कराना चाहिए हमारी आम सरकार को, लेकिन ये करा कौन रहा है? इंडियन आर्मी। इसलिए ताकि हमारा जो यूथ है वो इन्वॉल्व रहे। मैं आपको बताती चलूंगी, जो मेरा भाई है ना, मैं पर्सनली अगर अपने घर वालों पे आऊंगी, मेरा जो भाई है वो इस टाइम इंडियन आर्मी के थ्रू बाहर पड़ रहा है। ये देखिए आप, ये हमारा डिबेट था। ये बात कह रहे हैं कि चाहे खुद भी हो जाए, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे तो बीजेपी अपना वोट बैंक कहाँ से बनाएगी? मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर अगर इलेक्शन? मैनिफेस्टो के लिए हमारी एक कमेटी होती है, और बीजेपी का दावा है कि अब की बार 50 के पार, तो सर वो 50 के पार कैसे? तो ये एक बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जिनके साथ आज हमने बात की। अब मैं आपको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी, हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग। लेकिन आज यार, टुकड़े टुकड़े करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मैं कह रही हूँ कि टुकड़े टुकड़े करने के लिए आप लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए। आप लोग के पास तो कुछ है नहीं, आप टुकड़े कैसे करोगे हमारे? लेकिन हमारे पास जज्बा है ना, जज्बे का क्या करते हैं? आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, आर्टिकल 370 हटने के बाद, या फिर ये कह लें कि 5 साल के बाद कश्मीर में पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस टाइम पे कश्मीर की जो यूथ है वो इलेक्शंस के हवाले से क्या सोच रखती है, कौन सी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया साइड कश्मीर में, एक तो ये बात करेंगे। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कश्मीर के हवाले से, साथ ही साथ BSF की तरफ से वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को, फसल के मामले को, फसल की कटाई के मामले को, जो बॉर्डर के ऊपर जमीनें हैं इस साइड पे या उस साइड पे, उस हवाले से भी बात करेंगे। कश्मीर की बेटी, कश्मीर की यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, और उरफाना मुनीर साहिबा, इनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले कश्मीर की एक बेटी, यूके पार्लियामेंट में भी उन्होंने एक स्पीच की और उन्होंने बोला आई एम नॉट मलाला, उस हवाले से भी बात करेंगे कि ये क्या सोच रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम उरफाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत आफियत से हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बेहतरीन, बहुत शुक्र है कि मैं भी खैर आफियत से हूँ। उरफाना जी, कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, इलेक्शन की तरफ आए, या फिर जो इस टाइम लेटेस्ट डेवलपमेंट है, खासतौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है कश्मीर का, जम्मू का और फिर कश्मीर का, उस साइड पे आए, ट्रेन की जो इनॉग्रेशन होने जा रही है, मतलब टॉपिक बहुत से हैं, आप बताइए, आप कश्मीर में मौजूद हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगी? देखिए, हमारे पास अब इतना सब कुछ आ रहा है, हम कश्मीरियों के पास
वो सब कुछ हमें मिल रहा है जिसकी हमें खोज थी 70 साल से, जो हम ढूंढ रहे थे, आज जाके हमें वो सब कुछ मिल रहा है। तो आप कुछ भी डिस्कस करो, हमारा तो जवाब जो है वो आपके पास ही रहेगा। आपने ठीक बोला सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कश्मीर आ रहे हैं, और दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले उनका जो दौरा था वो जम्मू का दौरा था, वो भी इनोग्रेशन के लिए आए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कश्मीर के लिए। तो कश्मीर में वो प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो गया, और अब जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसका सफर जो है यहाँ पर जारी है। प्राइम मिनिस्टर जी खुद आए, उन्होंने इनोग्रेशन करी, बहुत सारा जो है हमें देखने को मिला, और उसके बाद एक ही दिन में वापिस चले गए सॉरी, क्योंकि जम्मू का ही उनका दौरा था। अब बात आती है कश्मीर पे, क्या कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में शेरे कश्मीर स्टेडियम में उनका एक प्यारा सा भाषण होगा, जैसा कि वो भाषण देते हैं, और लगभग 30 से 40 हजार लोग जो है उनके इस भाषण में जुड़ रहे हैं। और वो 30 से 40 हजार लोग कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने पहले कश्मीर की सिचुएशन देखी और अब वो कश्मीर की सिचुएशन देख रहे हैं। वही 30 से 40 हजार लोग हैं जिनको मोदी जी पे भरोसा है कि अगर मोदी जी आए हैं तो जरूर कश्मीर में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। और जब से ये नारा आया है तब से हमने देखा कि डेवलपमेंट की तरफ या हमारा बजट जो है, ये जिस तरीके से भी कश्मीर जो है इस टाइम टॉप चल रहा है, कश्मीर में जो है हर तरीके की डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। शेरे कश्मीर स्टेडियम में उनकी स्पीच होगी, इलेक्शंस आने वाले हैं उन पे वो चर्चा करेंगे, हम तो चलो मीडिया वाले हैं, हम तो होंगे ही होंगे वहां पर कवरेज के लिए, हम भी सुनेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट ये है कि लोग जुड़ रहे हैं, और इस बार कम लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, कुर्सियां जो है वो भी कम पड़ रही हैं। इतने लोग जो है इस वक्त आने वाले हैं, इतने लोग जो है वहां पर जुड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है एक उम्मीद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ऐलान करेंगे। सिक्योरिटी के एक चीज हवाले मैं से टच करूंगी जी कि जरूर जरूर एक एक चीज मैं टच करूंगी कि देखिए रिसेंटली जो है पहाड़ियों को उनका दर्जा यानी कि ST मिला, और ST के लिए पहाड़ी 70 साल से लड़ रहे थे। तो आप खुद देखो कि जो चीज मोदी के आने से हुई, ऑब्वियसली इसलिए लोगों को जो है उनपे और ज्यादा भरोसा है कि हाँ अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है कश्मीर के लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्जा है ST का, ये सिर्फ गुजर और बकरवाल लोगों के पास था, लेकिन पहाड़ी जो है वो भी सेम ही स्ट्रगल करते थे। और मोदी जी के बाद में दिमाग में जब भी ये बात गई, या और भी जो हमारे लीडरान हैं, चाहे मैं अमित शाह जी की बात करूं या कश्मीर के कुछ भाजपा के लीडर्स ऐसे हैं, जब उनके दिमागों में ये बात गई कि पहाड़ी लोग भी तो सेम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आखिरकार उन्हें ST क्यों नहीं दी जा रही? तो एट द एंड जो है सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी सब हुई, और हमें जो है ST मिली, पहाड़ियों को जो है ST मिली। तो इससे जो है लोगों को एक और उम्मीद जाग गई है ठीक कि है, जो चीजें नहीं हो रही थी अब वो चीजें कश्मीर में हो रही। नो डाउट इलेक्शंस के हवाले से भी इसी वीडियो में, इसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंडियन पार्टी है जो इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा पॉपुलैरिटी रखती है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, और हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि जो चीज हमें नजर आ रही है या जो चीज हमें लगता है कि ये डिस्कशन होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। उरफाना जी, मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन के हवाले से अगर मगर के अलावा कौन सी पार्टी है? आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कश्मीर में, और बहुत हम आपके प्रोग्राम देखते हैं फेसबुक पे, मुख्तलिफ जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, कि आप आवाज उठाती हैं। कौन सी पार्टी इस टाइम ज्यादा मकबूलियत रखती है, ज्यादा पॉपुलर है कश्मीर में? प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, या कोई कांग्रेस? देखिए पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि 2019 के बाद हमने सरकार नहीं देखी। 2019 के बाद हमें, हाँ मतलब हम जो कश्मीरी हैं, वी आर सफरिंग। हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे आएगी और हमारे हित के लिए बात करेगी। ये जितनी डेवलपमेंट हुई है ये हमें
यू नो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं का रोल चल रहा था और वही कश्मीर को संभाल रहे थे। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ये हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं दी है, ये हमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली ये सेंटर से आए हैं और सेंटर में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने इनडायरेक्टली ही कश्मीर में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और सोएब चौधरी के सवाल और उरफाना मीर के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे आपने देखा उरफाना जो खुद कश्मीर से बिलोंग करती है वो कश्मीर की रियलिटी को अच्छे से बताती है और कैसे उन्होंने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।